काफ़ी अच्छा लगा जब व्हेन वी लैंडेड इन दिल्ली एंड पीपल न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। और काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। माय गॉड, डेवलपमेंट इज़ लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊँ कि वहाँ का गाँव इज़ मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस एंड वहाँ पे लोगों का असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त है। मल्टी कल्चर लैंड है वो बिल्कुल। वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग, इन एवरी लैंग्वेज, इन विथ एवरी रिलीजन। तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे। मतलब पीपल आर मिक्सचर ओवर देयर, कल्चर इज मिक्सड ओवर देयर एंड यू विल फाइंड लाइक फन एंड पीस ओवर देयर। लाइक आपको किसी किस्म का दिक्कत नहीं होना, किसी किस्म का परेशानी नहीं होना कि आप कौन हो, क्या हो, और आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या हो रहे हो। मतलब पीपल आर लाइक एंजॉइंग द लाइफ। मैं आपको बताऊँ मेंटल लेवल पे भी लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे 5% भी नहीं है। और एजुकेशन लेवल, हाँ एजुकेशन लेवल मैं आपको बताऊँ दे आर सो मच लिटरेट कि एवरी सेकेंड पर्सन इन द होटल दे वाज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड दे अंडरस्टूड व्हाट वी आर टॉकिंग। उन्होंने फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े, बोले कि यार हमारे पास जानमाज़ वगैरह तो नहीं है होटल में, तो आप हैं कि यू कैन टेक दिस क्लीन क्लॉथ ऑफ वाइट क्लॉथ, यू कैन डू योर नमाज एंड ऑल। तो हमने फिर नमाज अदा की। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाए नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊँ कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। वहाँ की गवर्नमेंट मुस्लिम्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हुई है। आपको पता है जिस टाइम हम गए हुए थे उस टाइम गवर्नमेंट ने 600 हाउसेस और ओनली फॉर द मुस्लिम इन गुजरात, क्योंकि गुजरात आ रहा था, नियर बाई था, तो वहाँ पे किया हुआ था। और मैं आपको बताऊँ कि हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टी कल्चर लैंड है ना, उनको देखिए सबका मज़हब अपने पास है, सब ने अपना जवाब खुद देना है, सीधी बात है ना। मैंने अपने माँ बाप का भी नहीं देना, ना माँ बाप ने मेरा देना है। मेरा रिलीजन मेरे पास है, वो उसको आप ओबे करें, उसको आप सिस्टम पे चलें जैसे चल रहे हैं। बाकी वहाँ पे मल्टी कल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान को भी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की धमाकेदार रिएक्शन वाली वीडियो में आपका वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, अभी छोटी सी वीडियो आपने जो देखी है, ये पाकिस्तानी बंदा जो है वो हिंदुस्तान घूमने के लिए जब आया तो इसके साथ जो कुछ भी हुआ, इसने जो कुछ भी देखा वो सना अमजद की इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये पाकिस्तानी इंडिया की कितनी तारीफ कर रहा है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, तो पूरी वीडियो में बने हुए रहिएगा। कैमरा वेस्ट करके सीधा मुद्दे पर आते हैं और पूरी वीडियो को सीधा लगाते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप कब अपनी फैमिली के साथ इंडिया के विजिट पर गए, कितने दिनों का ये विजिट था और पर्पस क्या था? मैं मेरी वाइफ हम लोग का विजिट का प्लान बना था, क्योंकि मेरी वाइफ के मतलब कोई रिलेटिव्स हैं वहाँ पे इंडिया में, शेरकोट में ना, उत्तर प्रदेश में। तो हमारा प्लान बना था कि हम लोग जाते हैं वहाँ पे विजिट करते हैं, तो हमारा पर्पस था बस विजिट करने के लिए। तो 2018 हम लोग ने अप्लाई किया था फॉर टूरिस्ट वीज़ा, जो कि हमारे टूरिस्ट वीज़ा तो अलाउ नहीं किया, तो उन्होंने विज़िट वीज़ा दिया था जो कि हमें अलाट हुआ था कि 3 मंथ्स के लिए। तो मगर हाँ, हमने वहाँ पे 15 डेज़ का स्टे किया था, नॉट मोर देन दैट, लाइक नॉट इवन 15 डेज़, 13 डेज़ थे। सो इट वाज फ्रॉम कराची टू दिल्ली एंड दिल्ली टू उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हमारा टूर था। तो कैसा रहा ये आपका ये एक्सपीरियंस? इट वाज रियली गुड। मतलब हम टीवी में देखते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा जब व्हेन वी लैंडेड इन दिल्ली एंड पीपल न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। और काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो व्हेन वी एंटर्ड इंडिया तो काफ़ी लोगों ने मतलब हमें एम्ब्रेस किया था कि दे न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड देयर रिलेटिव्स केम टू पिक अस अप फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। और फिर हम लोग वहाँ पे स्टे किया हमने, और फिर वहाँ पे काफ़ी जगह जैसे कि श्री नारायण टेम्पल है फर्स्ट, हाँ वहाँ पर भी हम लोग ने विजिट किया था। एंड मुसलमानों पर हाँ, तो मतलब अलाउ था वहाँ पे जाना, अलाउ था बिल्कुल था। और हमने ये भी कहा था कि हमने विजिट इसलिए करना है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, तो हम चाह रहे थे कि हम चीज़ें देखें, विज़िट करें। So they welcomed us really nicely and then from there we traveled via road। हम लोग उनके गाड़ी में हमने फिर वहाँ से रामपुर से हमने स्टे किया था रामपुर में। अच्छा, रामपुर इज अ सिटी कह लें या विलेज कह लें, इट्स मोर ऑफ अ सिटी। तो वहाँ पे हमने स्टे किया था एंड वी स्टेड इन होटल विच वॉज टोटली हिंदू। लाइक ओवर देयर रामपुर में टोटली हिंदू है, मतलब देयर इज नॉट इवन अ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स लिविंग देयर। सो वी टोल्ड दैट अजान का हमने बोला था कि यार मस्जिद कहीं है, तो दे सेड के नहीं मस्जिद तो नहीं है यहाँ पे, तो आप मुसलमान हैं? हमने जी बिल्कुल मुसलमान हैं, और आप पाकिस्तान से आए हैं? बिल्कुल पाकिस्तान से आए हैं। तो खैर उन्होंने काफ़ी अच्छा बर्ताव किया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि डर नहीं लगा। मतलब आपने बोला कि वहाँ पे तमाम लोग जो थे वो हिंदू थे, 1% भी मुसलमान नहीं थे। अरे हमें तो बड़ा डराया जाता है कि हिंदू ऐसा है हिंदू वैसा है, तो डर नहीं लगा? नहीं, ऑनेस्टली देयर वाज नॉट अ पिंच कि हमें डर था, ना पुलिस का डर था, ना किसी किस्म का कि कोई हमें कोई क्लेम करें कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और खुदा ना खासा कि हमारा किसी किस्म का कोई यहाँ पे टेररिज्म की जो बातें होती हैं इस तरह से। किसी ने किसी किस्म का मॉक तक नहीं किया। दे गेव अस अ रूम टू स्टे एंड स्पेशली उन्होंने एक डेडिकेट कर दिया था एक वेटर कि आप इनका ना ख़ास तौर पे ख्याल कीजिएगा। उन्होंने फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े, बोले कि यार हमारे पास जानमाज वगैरह तो नहीं है होटल में, तो आप हैं कि यू कैन टेक दिस क्लीन क्लॉथ ऑफ वाइट क्लॉथ, यू कैन डू योर नमाज एंड ऑल। तो हमने फिर नमाज अदा की। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाए नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊँ, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। सो ऑल द वे ट्रैवलिंग फ्रॉम रामपुर, खानपुर एंड हैदपुर, ऐसा कोई नाम था, आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल विलेजेस नेम। वी ट्रैवल्ड फ्रॉम देयर, वी स्टूड देयर, वी स्टॉप्ड बाय देयर, हमने वहाँ पे पिया, खाना खाया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। फिर वहाँ से हम शेरकोट भी पहुँचे जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स थे मेरी वाइफ की। सो वी स्टूड देयर फॉर लाइक अ वीक और मोर। और फिर हम वहाँ पे नहीं किसी किस्म का, कहीं ना वहाँ पे सिख भी थे, हिंदू भी थे, मलबारी भी थे, तामिल, किसी किस्म के इन्होंने हमें मतलब महसूस नहीं होने दिया कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम्स एंड वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, आपने कहा कि आपने वहाँ के मंदिर विज़िट किया और उन्होंने बड़ा आपको वार्म वेलकम किया और विज़िट भी करवाया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ मस्जिद के अंदर नॉन मुस्लिम अलाउ नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, या फिर चाहे कह लें कि वो क्रिश्चियन हो। जब तक कोई बंदा इस्लाम कबूल नहीं करता वो मस्जिद के अंदर एंटर नहीं हो सकता। देखें, ये तो कॉन्सेप्ट ही ख़राब है। अब एक मिसाल, एक इंसान को जब तक आप दिखाओगे नहीं आप क्या हो तो वो कैसे समझेगा। इफ़ अ पर्सन कम्स टू मी फॉर बिसाइड्स मतलब नॉन मुस्लिम, कोई भी हो सकता है, हिंदू, जू, एनीवन। अच्छा, अब वो कहता है मुझे कुरान पढ़ना है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने पाक होके उसको देना है कुरान हाथ में। अब देखिए, उनका तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, मतलब वुजू करना, पाक होना, सफाफ होना। अब जब तक वो पकड़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, तो वो कैसे इस तरफ आएगा। बट व्हाट आई बिलीव इज़ कि हमें उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको एक चांस देना चाहिए। आप आएँ, अंदर देखें हम कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, हम कैसे अदा करते हैं, हमारे अखलाक कैसा है, हमारी बुक क्या कहती है। सो यू टेक द बुक एंड रीड। आई बिलीव कि वी शुड गिफ्ट देम कुरान इन देयर लैंग्वेजेस, मतलब अगर इंग्लिश में, उर्दू में, एनी लैंग्वेज, मतलब फ़ारसी, तमिल, मलबू, तो ये हमें करना चाहिए। डेवलपमेंट में कितना फ़र्क देखा इंडिया और पाकिस्तान? माय गॉड, डेवलपमेंट इज़ लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊँ कि वहाँ का गाँव इज़ मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस। एंड वहाँ पे लोगों का, असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त है। चोरी चकारा बेमानी नहीं है, मेहनत कर रहे हैं वो। वहाँ पे औरतें भी मेहनत कर रही हैं, खैर यहाँ पे भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत करती हैं, मगर वहाँ पे ना इस तरह का ट्रेंड नहीं है। मतलब दे वांट टू ग्रो, इनका माइंड सेट है कि ग्रो करो। ये इस तरह से नहीं किसी बात को पकड़ के बैठ गए कि हिंदू है, मुसलमान है, वो इसी में फंस गए। ये लोग ग्रो करना चाह रहे हैं एंड दे आर ग्रोइंग। एक्चुअली राइट नाउ दे आर ग्रोइंग फैबुलसली, and that time back in 2018 they were actually grown to the mark। मैं अगर कंपेयर करूँ पाकिस्तान में किसी सिटी के मुताबिक, या मैं बताऊँ मेंटल लेवल पे भी लेके जाएँ, क्योंकि यहाँ पे 5% भी नहीं है। और एजुकेशन लेवल, हाँ एजुकेशन लेवल मैं आपको बताऊँ, दे आर सो मच लिटरेट कि एवरी सेकेंड पर्सन इन द होटल दे वाज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड दे अंडरस्टूड व्हाट वी आर टॉकिंग। पता है, हम तो यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया में तो भाई गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जहालत बहुत ज़्यादा है। नहीं, देखें जहालत तो यहाँ पे भी माशाल्लाह से बहुत है, और गुर्बत तो यहाँ भी बहुत है, गुर्बत वहाँ भी है, बट नॉट इस तरह का नहीं है कि हर बंदा रो रहा है वहाँ। जिस तरह हम यहाँ पर हैं, आप किसी सेकंड पर्सन को पूछें कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या हाल है, भाई महंगाई ने मार दिया है, महंगाई ने ये कर दिया है, महंगाई। अच्छा वहाँ पे क्या है, मैंने देखा था, क्योंकि मैं तो 2018 की बात करूँगा, उससे पहले क्या होता था मुझे नहीं पता। वहाँ पे फैमिली के अंदर ना सब कमा रहे हैं, माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहे हैं, बहनें भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहे हैं। अब क्या है कि पूरा घर को क्लब करके ना वो बेहतरीन किस्म का चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा क्या है कि एक बाप कमा रहा है या दो बाप माँ कमा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, खालाएँ भी खा रही हैं, ताए भी खा रहे हैं, मतलब इस तरह का ना कॉन्सेप्ट इनका कि सब मेहनत कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। मतलब रोते हुए मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया कि भाई हम मर रहे हैं गुर्बत से या परेशान हैं गवर्नमेंट से, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया वहाँ पर। दे आर ईटिंग वेरी गुड, इनका डेयरी, इनका एग्रीकल्चर और मतलब वेजिटेबल्स those were like very tasty, और उनका मतलब टेस्ट ही अलग है। हाँ उनका मतलब काफ़ी चीज़ें अलग है। यानी आपको इंडिया के खाने और वहाँ की सकाफत बहुत पसंद आई? मुझे पसंद आई है, मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि असल में ना उनका मेंटल लेवल बहुत आगे मेंटल लेवल आगे, वो ग्रो करना चाह रहे हैं, वो इस तरफ स्टक नहीं हो चुके हैं जिस तरह हम स्टक हो चुके हैं कि हमने पॉलिटिकल साइड पर लेके जाएँ, भाई मैं तो नून लीगी हूँ तो मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, भाई अगर मैं मलबारी हूँ तो वहाँ पे मैं सेंट्रल इंडिया का हूँ या मैं यूपी का हूँ, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है मतलब होगा, मुझे नज़र नहीं आया, मगर उस लेवल का नहीं है जिस तरह से यहाँ पर है कि हम पंजाबी हैं तो वो महाजर है तो वो पठान है, इस तरह का स्टोरी नहीं है। दे आर लिविंग मिक्स एंड दे आर अर्निंग गुड एंड दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, व्हाट आई सॉ। इंडिया की ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे, तो हमें तो अगर अपने मीडिया की बात करें इंडिया की नेगेटिविटी ही दिखाई जाती है कि वहाँ पे ख़वातीन जो है महफूज नहीं है, वहाँ पे गुर्बत बहुत है, जहालत बहुत है, वहाँ पे हर दूसरा बंदा रोड पर सो रहा है, तो हमें तो हमारा मीडिया जो है एक नेगेटिव फेस ही दिखाता है। लेकिन आपने इंडिया की बहुत पॉजिटिव साइड जो है हमें बताई, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो? देखें रही बात रोड पे सोना, रोड पे यहाँ पे भी सो रहे हैं, ट्रेन के पाटा हो पे आज भी सो रहे हैं, सीधी बात है, चाहे वो कराची है। मुझे लाहौर का मैंने देखा नहीं है, कराची में अभी भी ट्रेन के पाटा हो के पास है लोग झोपड़ियाँ बना के सो रहे हैं यहाँ पे, उसी तरह वहाँ पर भी है, सही है ना। जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा ना उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनका जो सोच है ना, उनका जो दिमाग है ना वो बहुत खुला है, मतलब वो इन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठते हैं, इन चीज़ों को मतलब व्हेन वी हम जाके ना हम सेकंड पर्सन, यार हम पाकिस्तान से आए हैं, और अच्छा पाकिस्तान से आए हैं, आप आए ना बैठे ना, आप कैसे, मतलब वो दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद अस। मतलब उनके साथ उनकी एक फैमिली मेम्बर थी, वो आ गई, अच्छा आप पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान में कैसे हैं लोग, कैसे रहते हैं, एंड दे वर सो मच इंटरेस्टेड विद अस, मतलब इंटरेस्टेड इन टू अस कि दे स्टार्टेड आस्किंग अस और आप क्या खाएंगे क्या पियेंगे, एंड आप देखिए हम तो यहाँ बीफ नहीं खाते तो हम आपको क्या ला के दे सकते हैं, तो हमारे मतलब दे हैड वो लाल लोबिया वगैरह बना हुआ था, सो दे बॉट अस दैट, आप ये खा लें, हमने बोला ठीक है खा लें, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेप्ट होता है कि इफ अ हिंदू इज़ गिविंग यू समथिंग टू इट सो डोंट ईट इट, इफ़ अ क्रिश्चियन इज गिविंग यू समथिंग टू इट सो डोंट ईट इट और ड्रिंक इट, मगर वी डिड इट, क्योंकि उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि यार वी आर लाइक द मुस्लिम्स और पाकिस्तानीज आर लाइक दैट के हम आपका खाना भी नहीं चखेंगे। तो उनके घर का खाना भी खाया, उनके होटल का उन्होंने ला के खाना खिलाया, और जहाँ पे हम बोलते हैं कि फूड स्ट्रीट पे हम दिल्ली में घूमे थे, तो फूड स्ट्रीट पे खान बाज़ार गए थे हम, वहाँ पे तो देवर लॉट्स ऑफ मुस्लिम्स ओवर देयर और देवर ऑल हैप्पी एंड दे स्पोक टू अस, लाइक दे टुक मी फॉर नमाज एंड माई वाइफ वाज देयर, तो मतलब वो मार्केट में घूम रही थी एंड शी वाज लाइक वी वाज सेफ। ये नहीं था कि खुदा ना खासा कोई पुलिस आके मुझे ले जाएगा या कोई बदमाश आके हमें पकड़ लेगा या कोई गन पॉइंट कर देगा, कोई चाकू दिखा के हमें, कल ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा जाने से पहले डर था या किसी ने रोका हो, मना किया हो कि भाई इंडिया मत जाओ, कहीं और चले जाओ, इंडिया ही क्यों? जी बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम इंडिया ही क्यों जाना चाह रहे हो, तो तुम लोग कहीं उनको भी कज़न्स को वहाँ बुला लो, दुबई वगैरह या इंडोनेशिया, मतलब किसी नियर बाई स्टेट पे, और आप लोग वहाँ मिल लो जाके। हमने बोला नहीं इंडिया जाएंगे, इंडिया देखना है, मतलब हमने बचपन से मूवीज़ में देखते आ रहे हैं और चीज़ें देखते आ रहे हैं, तो हमें इंडिया भी देखना है और ये मौका है हमारे पास, सो व्हाई नॉट इंडिया। सो उस टाइम थोड़ा सा खौफ था, मगर जब हम लैंड हुए थे एंड वी एंटर्ड इंडियन एयरपोर्ट, और जब वहाँ पर हम लोगों से इंटरेक्ट हुए, वहाँ के फोर्सेस से, मतलब दे वर सो स्वीट, और मैं आपको बताऊँ कि फिर वहाँ पर ना थोड़ा सा दिल ईजी हो गया। हाँ फिर हम जिससे मिलते थे ना अस्सलाम वालेकुम, तो वो कहते हैं वालेकुम सलाम, मतलब वो हिंदू होता था, हम कहते थे सलाम वी आर फ्रॉम पाकिस्तान और हमें थोड़ा सा बताएं आपके यहाँ पे नेटिव क्या प्रोडक्ट है जो हम लेके जाएं, मतलब। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।